अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पंजाब टाइम्स से गड अवजो मेज़बान नादिर मुगेरी अवज की खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, प्रोग्राम पंजाब टाइम्स के अजोके शो में अस लाहौर जो किलो घुमंदी। ये किलो तारीखी लिहाज का निहायत अहम किलो है। लाहौर जो ही तारीखी किलो 16 सदी जो यादगार है। 16 सदी में मुगल दौर में शाहजहान तरफा ही किलो तामीर कराया वो हो, छाकाण त मुगल बादशाह शहनशाह उन दौर जो बादशाह हो। जैसे ही मुझे पोया जो इमारत है इतना का शुरुआत कंदी, ही उ तारीखी इमारत है जिते मुगल दौर जो बादशाह शाहजहान वे ही फैसला कंदो हो। अचो त इन किले जो जो सैर तफरी जो सिलसिलो है इन कोर्ट का जो शाहजहान दौर जो कोर्ट है उतना घुमंदे उतना शुरुआत करूँ। शाही किलो एतरो ही कदीम है जितरो लाहौर शहर। 1012 ईस्वी में महमूद गजनवी के लाहौर ते हमले का पोए अल बैरूनी एक किले जो हवालो दिनो हो, जैं जो बीहर जिक्र सुल्तान शुहाबुद्दीन गोरी के 1186 ईस्वी में लाहौर में हमले में मिले थो। मंगोलन 1241 ईस्वी में किलो तबाह कर छो हो, मगर 1287 ईस्वी में सुल्तान बुलबन उनके बीहर ठहरा। बाद में अमीर तैमूर की फौज की एक ब्रिगेड 1398 ईस्वी में किले के बीहर मसमार कर छो, जैसे 1421 ईस्वी में सुल्तान मुबारक शाह बीहर तामीर कराया। मुगल शहनशाह अकबर आजम 1566 ईस्वी के लगभग पुराने किले के ठहराए पक्न सिरन से इन किले के बीहर तामीर कराया। अकबर के जानशीन जहांगीर शाहजहान ए औरंगजेब किले अंदर केतर ही इमारत जो इजाफो किया। अरड़ी सदी के आखिर में मुगलिया सुल्तनत के जवाल का पोए सिखन इन तारीखी किले ते कब्जो कयो। महाराजा रंजीत सिंह किले के उत्तर तरफ एक हिसारी दीवार तामीर कराई। 1849 ईस्वी में पंजाब ते अंग्रेज फौज के कब्जे का पोए ही किलो भी उन्हें अमलदारी हेठ अची वो। 1987 ईस्वी में ही किलो आसार कदीमा खाते के हवाले किया वो, तीन इन की जरूरी मरम्मत ए सार संभाल थी सके, यो महफूज रही सके। शाही किलो केतरा ही भेरा तामीर थो उजड़ो ए बीहर ठो, पर उनके मजबूती मुगलिया दौर में ही नसीब थी। ही किलो पाकिस्तान की वाहिद तारीखी जाए है जिते मुगलन के समूरन दौरन की इमारतन की नुमाइंदगी थियल है। इन किले में अकबर के दौर के इमारतन में संगे सुर्ख यानि गाढ़े पत्थर ए तराशियल सिरन जो इस्तेमाल थो। अकबर ए जहांगीर के दौर में जानवरन जड़ो कुछ शींह हाथी मोर वगैरह तोड़े बियूं अलामती शयूं मुगलिया तामीर में हिंदू अंसर के जाहिर कन थियूं। जैसे तो शाहजहान ए औरंगजेब जो ठायल इमारतों पैंजे वालिद के नस्बत एक वे तजाद की अकासी है। गाढ़े पत्थर की जाए ते संगमरमर ईरानी सिनत रोगनी मुसवर टाइल्स जो पंजन इमारतों में इस्तेमाल शाहजहान के दौर की एक निमाया खासियत है। ही किलो पंजे नक्शे के हवाले से बेकायदो है। लाहौर किलो ओभर तरफ 427 है, उत्तर दक्षिण तरफ 335 मीटर डिघो है। नंढन सिरन से ठहल एक मजबूत हिसारी दीवार उन चैनी तरफन का वाक़ है। दीवाने खास एरिया में मौजूद आयो। दीवाने खास एरिया की जी खूबी है वह यहाँ है इतने बादशाह वेहंद हो, बादशाह वे जो मिनिस्टर्स हुआ या उन दौर जहाँ वजीर हुआ या उन गे वजीर हुआ उन्होंने वेही फैसला कह हो। इनके जैसे अज के दौर की कौमी असेंबली चाहिए तो भी वधा न। दीवाने आम किले में उत्तर तरफ ठहल है, जैसे शाहजहान 1931 का 1932 ईस्वी में ठहराया हो। ही इमारत 40 थंबन से मुश्तमिल दरबार हुई, जेका अकबर के तामीर करायल दौलत खाने के सामू वाक़ है। दीवाने आम की अदावत जो कम आसिफ खान की निगरानी हेठ मुकम्मल थो। ही दीवान 57 मीटर डिघो, 18 मीटर वेकरो, 10 मीटर ऊंचो है। इन की असुल इमारत सिखन के घरू वेढ़ के दौर में खत्म थी हुई, इन जो हाणोको ढांचो अंग्रेजन के इब्तदाई दौर की बीहर अदावत है। दीवाने आम के भरसा अकबर जो दौलत खानो ठहल है। इन बिमंजिला इमारत के अंदरूनी हिस्से में गुलकारी जा नमूना चूने से ठाया गया। आरायशी नमूनन में दरअसल सोन से सजावट कई वही हुई, जैजा निशान अज भी दिसी सकजन था।
इन जे मुख्तलिफ़ कमरन में संग मरमर जो खूबसूरत महराबू हैं। वडे कमरे की दीवार जा पट्टा संगमरमर से ठाया वा जिन कारे ए फिके पत्थरन सा हाशियाकारी कई वही। मकतब खाने की इमारत दीवान आम के उत्तर ओलह में वाक़ है। उन मरकजी दाखिला एक ऊंची महराब में थन्दी है। हि महराब असल में जहांगीरी महल के दौलत खाने में दाखिला लाए राहदारी जो कम दी हो। मोहरर इतने वेही ईंदड़ वेंदड़ मानून जहा नाला तफसील दर्ज कंद हो। हि इमारत 1617 ईस्वी में जहांगीर के दौर में मामूर खान की निगरानी हेठ तामीर थी। शाहजहां की ख्वाबगाह पंज कुशादन ऐवानन से मुश्तमिल इमारत है जहाँ शाहजहानी इमारत के दाखिले हिस्से में वाक़ है। यह 1633 ईस्वी में तामीर कराई वही। ऐवानन जो दाखिली रस्ता महराबी हैं। इन ऐवानन के पोए हिस्से से संग मरमर जो जारियों लगे व्यय शुरू में इन इमारत से सोन से सरजियल पेंटिंग्स लगे व्यय जैजा आसार अज भी ऐवानन के छितन में मौजूद हैं। जैसे तो विचे ऐवान के फर्श से एक फुहारो ठहराया वो। ख्वाबगाह के खाबे तरफ शाही हमाम वाक़ है जो तुर्क फन तामीर जो एक दिलकश नमूनो है। इन हमाम में घट गरम तोड़े गरम पानी जो इंतजाम थियल हो। इतने बैतुल खला भी ठहल हुई। कमरे के फर्श से संग मरमर की पिचकारी थियल है। हमाम के पानी के फ्राहमी लाए पक्की मिट्टी के पाइपों जा आसार दक्षिण ओलह वाले कुंड में अज भी दिसी सकजन था। इतने पानी जो एक नंढड़ो होज भी ठहल है जैसे चौधारी मुख्तलिफ रंगन के संगमरमर जो टाइल्स लगल हैं। इन चैनी कुंडन में अलग अलग गुसलखाना हुआ। हिमाम के फर्श के संगमरमर से सजाया वो हो जैसे बाद में सिख दौर में उखेड़े वो। मुगलन के जमाने में शाही हमाम के ऐवान मशावरत तौर भी इस्तेमाल किया वो हो। इतने फकत आला उहदन से फायज मानू ही अची सकता हुआ। अस इन वक्त औरतुन के शाही बाग में मौजूद हूँ। हि अड़ो बाग हो जिते सिर्फ शाही औरतू अलाउड होंदी हुई है। वो अची इतने मुख्तलिफ जो वण लगल हुआ मेवा लगल हुआ उत मेवा पटे खाई हुई इतने घुमंद फिरंद हुई बाग जो सैर तफरी कदी हुई उन शाही औरतू हुई वापस रवाना थी वी हुई। पाइन बाग के शाहजहां के दौर में शाही हमाम के उत्तर में ठहराया वो। हि बाग फकत शाही औरतुन लाए मखसूस हो। इन बाग में सदाबहार गुल नंढे कद वारा गुलदार बूटा ए मेवन वारा वण लगाया व्या। इन बाग अंदर पक्का रस्ता भी ठहराया व्या तजिए शाही औरतूँ घुमंदे फिरंदे लुत्फंदोज थी सकन। पाइन बाग के विच में एक कुशादो तख्तो ठहल हो जैमें तराशियल सिरन जो कम थियल हो। इन तख्ते के विच में पानी जो हौज ठहल हो जैसे तो फुहारो पिण ठहराया वो हो। नाजरीन अवे जो मुझे पोया दिसी रहा है इमारत ये का भी इमारत ना है पर यह मस्जिद है। यह मस्जिद शाही औरतुन के लिए तामीर कराई वही हुई। अकबर तामीर कराई हुई तो जी शाही जो औरतू हैं गार्डन में घूमने का नमाज जो वक्त थे तो उतनी नमाज पढ़न सिर्फ शाही औरतू ही मस्जिद में नमाज पढ़ंद हुई। हि सामूँ जी गोल इमारत दिसी रहा हो हि मंदिर है। ए रंजीत संघ पंज दौर में हि मंदिर लाल किलो जो बादशाह किलो है उन वक्त की यादगार है। इन यादगार के अंदर ही मंदिर तामीर कराया हो रंजीत संघ तीन इतने वे इबादत कर सकते हैं। इतने गुरुद्वारो पिण हो जो हिंदू बाहर का इंदा हुआ उनके रहाश के लिए इतने इंतजाम थी सके। पाइन बाग के भरसा एक मस्जिद पिण ठहराई वही जैमें शाही औरतू ही नमाज पढ़ंदी हुई। बाद में सिखन के दौर में राजा रंजीत सिंह पंजे इबादत ला ही मंदिर ठहराया हो। मकतब खाने के ओलह में वाक़ ही मोती मस्जिद 1645 ईस्वी में शाहजहां ठहराई हुई। इन मस्जिद से मिलंदड़ जुलंदड़ ब मस्जिदों मुगलन दिल्ली आगरा के किलन में भी तामीर कराई हुई छाकाण तो हि नंढी मस्जिदों मुकम्मल तौर अच्छे संगमरमर से तामीर कराई व्यू हुई। इन ला इन मस्जिद के भी मोती मस्जिद जो नालो दिनो वो। मस्जिद के फर्श से खालिस अच्छे रंग जो संगमरमर इस्तेमाल किया वो कारे रंग के संगमरमर के पट्टिन की मदद से मुसला ठाया वा हुआ जद मस्जिद के महराबदार छितिन से भी अच्छे संगमरमर जो इस्तेमाल किया वो।